हाय गाइस, सलाम अलैकुम, नमस्कार सभी लोगों को। एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज है जुमा और पिंक कलर का कुर्ता पहना है मैंने, कि मैंने ईद में सिलवाया था, सोचा था कि ईद में पहनूंगा, लेकिन ईद में मैंने ब्लैक वाला पहन दिया। दो तीन कुर्ते सिलवाए थे। आज 12:30 बजे तक मस्जिद में चले रहेंगे, जाके बैठेंगे, पहले थोड़ी इबादत करेंगे और जुमे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद वीडियो बनाने जाना है। अगर आर्यन या अय्यूब दोनों में से कोई मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे वीडियो बनाएंगे। यहीं पे यार मेरी रिंग लाइट टूट गई है गाइस, जब मैं दुबई जाने वाला था तभी टूट गई हुई थी। तो अभी किसी भी तरह से एक स्टैंड है, स्टैंड रख के इसको किसी भी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। देखो शिंदा मेरा ढूंढ रहा है उतनी देर से चूहे को अपने पैर से दबा के खेल रहा था। अभी मैं भी भागा हूँ, अभी इसको चूहे सोच रहा है कि इसके नीचे चूहा है, खुद ही छोड़ दिया चूहे का, तो चूहा भाग गया, चूहे का बच्चा। रंगी खाली जिसका कवर चाहिए, किसका कवर? सोफे का खराब हो गया, इसको पहले घरों से नारे से साफ करेंगे। बस खा चुके थप्पड़ ऐसा उड़ाक मारे, वो हम नहीं खाए, खा चुके, मेरा पेट भर गया है, समझे? नहीं खाओ, हो गया, बताएं अभी तुम्हें कसम खुदा के हो गया। अरे तो हम खा चुके हैं यार, दूसरा दूसरा दो खा लोगे। बड़े गधे हैं हम कसम से, अक्षोध आदमी हूँ मैं, एकदम इतने बड़ा गधा हूँ मैं, मतलब यार। तुम लोग सुनोगे तुम लोग भी हंसोगे। पासपोर्ट एक्सटेंड कराना था दुबई से, चक्कर में लगा था कि पासपोर्ट एक्सटेंड कराना है। अरे अरे दिसंबर में खत्म हो रहा है, वहाँ दुबई से भी हो जाता है, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं कराना था कि वहाँ बहुत महंगा पड़ेगा, ये होगा वो होगा, अभी घर तो जाना ही था तो जाके क्यों नहीं करा लेते। पासपोर्ट कभी सही से खोल के मैंने देखा नहीं, पासपोर्ट वहाँ के देखा दिसंबर 2024 को एक्सपायर होगा। अरे इतना परेशान हो गए, तभी एक साल से ज़्यादा है, एक साल दो महीना, फालतू में भरवा रहे थे, 1500 रुपये अलग दे रहे थे। फॉर्म भर दिया, कुछ चीज़ें पूछेगा तो बताएंगे। हाय गाइस, तो ये है शिंदा का बाल कट रहा है, मैं शिंदा को लेके आया हूँ, अय्यूब ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो पूरी वैन लेके आ जाते हैं घर के पास, आके वैन लगा दी। शिंदा घबरा गए कि पहली बार इनका बाल ट्रिम हो रहा है, नाखून कट रहे हैं, ग्रूमिंग हो रही है, तो उस हिसाब से शिंदा तड़फड़ा रहे हैं। ये है अपना फन ग्रूमिंग, अपना शिंदा का सारा बाल कटवा के हम लोगों ने पूंछ के पास थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। खैर शिंदा को जब भी घर में नहलाओ तो भी ऐसे ही पागल होता है, इतना सारा बाल ग्रे 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 ग्रे। बस एक चीज़ दिक्कत ये हो गई है शिंदा के बाल में, सारे बाल ऊपर नीचे कट गए हैं। अब वो क्यों हुआ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हो गया है। खैर शिंदा ने बड़े आराम से बाल कटवाने में कोऑपरेट किया भाई, इतना कोई जानवर करता नहीं है। और हम लोग को भी अपने बिल्लियों को इंजेक्शन लगवाना है, अपने बिल्लियों को हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया नहीं, कितना हम लोग को काट चुकी हैं, बस ये कभी करवा ही नहीं पाए। दो तीन बिल्लियों को तो हम लोग लगवा भी लेंगे, लेकिन जो एक बिल्ली है हमारी जिसको हम लोग मैं कभी दिखाऊँगा आपको अपनी स्टोरी में, उसको कभी पकड़ ही नहीं सकते गाइस, इतना हरामी बिल्ली है वो, नहीं पकड़ सकते उसको। खैर वो पूछ रहे थे पूंछ के पास बाल रखना है कि नहीं रखना है, मैंने कहा नहीं पूंछ के साइड भी काट दो, ये पूरा क्लीन हो रहा है। तो शिंदा को अब देखिए क्या है, हल्का हल्का तो महसूस हो रहा होगा, हमने कहा और ट्रिम करवाए कि ना करवाए, लेकिन हमने कहा नहीं रहने दो क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, और ज़्यादा ट्रिम करवा के क्या फ़ायदा। तो बाल उठा के इनको हल्का हल्का, शिंदा को महसूस तो हो रहा होगा एकदम हल्का, तो
तो हल्का हल्का फील किए हैं, जिंदा एकदम, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी पूरा ये कटेंगे, मतलब पूरा इनको ग्रूम किया जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ चलो ठीक है, ये बिल्ली ने कटवा लिया, एक कुछ कुछ बिल्लियाँ ऐसी ऐसी होती हैं भाई, इनको ये कैसे पकड़ते हैं मैं समझ में नहीं आ रहा है। इनका तो पूरा हाथ छेद डालती हैं वो सब, इतनी बदतमीज़ बिल्लियाँ हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मेरा प्यारा शिंदा है तो चुपचाप डर के मारे कटवा लिया। वो तो पहले नकोटेंगी आपको, ऐसा नकोटेंगी कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि बिल्ली को कभी छूना नहीं चाहिए। ये मेरा बेचारा शिंदा बुढ़ा, बुढ़ों की तरह मुंह है, बच्चा है, अच्छा है, अच्छी तरबियत वाला है। इसकी पूंछ के पास मैंने ऐसा कर दिया जैसे लॉयन की पूंछ होती है, वैसा बना दिया पूंछ। तो मेरे घर में एक छोटी सी बिल्ली है, इसके पीछा करते करते उसकी पूंछ से खेलती रहती है। खैर पैर के पास थोड़ा सा बस शॉवर करवाना है, बस एक बार इसको खड़ा करके सीधा सीधा मैंने कहा मरवा दिया जाए। अब ऊपर नीचे तो हो ही गया, उसका तो कोई इलाज है नहीं भाई। तो मैंने कहा करवा देते हैं। शिंदा सोच रहा होगा साला वेट कहाँ गया, मुँह ही मुँह दिख रहा है। पूरा बाल छिलवाने के बाद पता चला कि शिंदा कितने पतले थे पीठ के पास से बहुत ज़्यादा ही पतला था शिंदा। अब ये कैंची से थोड़ा थोड़ा हमने कहा कि इसका बाल काटिए। इन लोगों की कैंची थोड़ी आगे की तरफ घूमी हुई होती है ताकि ये लगे ना, जो भी कान के पास के बाल के हर जगह तो साले बाल ही बाल हैं। खैर अपने हिसाब से इन्होंने बाल काटे हैं, इनके जो एक्स्ट्रा पैर के पास थे पूरे, जो पैर के जो इनके तलवे होते हैं वो ढक जाते हैं, तो वो भी साफ हो गए थे इसको काट काट के। चारों पैर में ये क्रिया करनी पड़ेगी, कच 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 करके पूरा काट काट के पूरा पैर साफ साफ इनका दिखने लगा। तो भाई अब यही है, शिंदा को फिर नहलाना था तो नहा नहीं पाए, शिंदा घड़बड़ा रहे थे एकदम। ये एकदम हाथ इसके बेचारे का मुड़ गया एकदम यहाँ पर, अब छुड़ा लेगा। फिर एक बार मैंने किया कि इसको खड़ा करो, फिर एक बार सीधा सीधा मार दो, एकदम मज़ा आ रहा होगा शिंदा को गुदगुदी भी हो रही है सेम टाइम पे, मज़ा भी आ रहा है, अपना बाल देख के डर भी गया। कोम करके पूरी कंघी इसको कर दी गई भाई, सीधा 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 सीधा, ये चीज़ सही हुई भाई इसके साथ लेते। नहीं छोड़ो, वॉश हो जाएगा। वॉश होके एक बार ड्राई करके, अरे रेड बॉल तो निकल गए। अरे ऐसे ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, एक बार अगर वॉश होके आ जाए तो। ना तो
कुत्ते बचा के फोन में भाई जेब में भाई आ गया कुत्ता देख लो। चलो शिंदे चाले तू, अरे शिंदे चाले तू शिंदा। अरे अरे सिंधिया, अरे सिंधिया एक बार वॉश करा देते भाई। तो यहाँ पे शिंदा देखिए कैसा लग रहा है, अभी छोटी वाली बिल्ली इसके पूंछ से खेलेगी। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग था शिंदा की ग्रूमिंग का, मैंने कहा दिखा दिया जाए इसको भी। और ये देखिए बिल्ली कैसे इसके पीछे पड़ी हुई है, इसकी पूंछ से खेल रही है। शिंदा की पूंछ से खेल रहा है, पूंछ से खेला जा रहा है। बोला मैं ही हूँ, अबे मैं ही हूँ बे।